ये राज मेरे लिए सिर्फ राज ही नहीं, एक परिवार है। आज ये घटना हमारे परिवार के बीच में घटा। मैं उनके इस दुख की घड़ी में इनके साथ खड़ा होने के लिए यहाँ आया, और बिल्कुल सख्त हिदायत है, कानून को किसी को भी अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं। जो लोग ऐसे काम करेंगे, सरकार सख्ती से उनसे निपटेगी और कड़ा से कड़ा सजा देने का भी काम करेगी। और बिल्कुल मेरी ओर से स्पष्ट ये हिदायत भी है, संदेश भी है कि इस तरीके की या कोई भी आपराधिक घटनाओं को संरक्षण सरकार नहीं देगी। और इस घटना पर जो लोगों की संलिप्तता है उनको कड़ा से कड़ा सजा दिया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने आपको पहले ही बताया कि एक SIT गठित हो चुकी है, इनकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट आ जाने दीजिए। और मैं आधी चीज़ों पर बातों को रखकर और सवाल नहीं खड़ा करना चाहूँगा। हालात जो बने हैं यहाँ पर, एक डर और भय का माहौल बनाने का प्रयास हुआ है, लेकिन इसमें सफलता लोगों को नहीं मिलेगी। और बिल्कुल निर्भीक होकर लोग जिए रहें। आज मैं उस पीड़ित परिवारों के बीच गया और काफ़ी मतलब जो माहौल था वाकई में काफ़ी दिल दहलाने वाला रहा है। दोबारा ऐसी घटना ना घटे इसकी पूरी तैयारी प्रशासन करेगी, ये हमने उनको आश्वासन किया। आज इस घटना से आहत है और जो लोग भी यहाँ आए बिल्कुल निष्पक्ष होकर के चीज़ों को देखेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करूँगा। और इस घटना को और में किस तरीके से घटना का पर्दाफाश हो, इस पर वो भी कुछ मदद सरकार को करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करूँगा।